हेलो फ्रेंड्स, मीनूज रेसिपी में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे व्रत में खाए जाने वाली लड्डू, वो भी बिना चाशनी और बिना चीनी के और बहुत ही आसान तरीके से। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। तो व्रत में खाए जाने में वाले हम लड्डू बनाएंगे साबूदाने से। तो उसके लिए हमें चाहिए 1 कप साबूदाना, 2/3 कप मूंगफली, 1/2 कप डेसिकेटेड कोकोनट जो नारियल का बुरादा आता है वो, 1/2 कप काजू और 1/4 कप बादाम और 150 ग्राम गुड़। यहाँ पे हम गुड़ का यूज करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम साबुदानों को साफ कर लेते हैं अच्छे से। एक रुमाल ले लेंगे या कपड़ा जिससे आप किचन टॉवल वगैरह जो साफ हो उससे ले लें, इसमें साबुदाना डाल के और अच्छे से इसको रगड़ रगड़ के साफ कर लेंगे, जिससे कि इसका जितना भी जो डस्ट होता है इसके ऊपर या स्टार्च वो हट जाएगा। ये मैंने साफ कर लिया। अब हम आगे का प्रोसेस करते हैं। तो एक पैन ले लेंगे और इसमें हम डाल देंगे जो हमने साबुदाना अच्छे से साफ कर लिया है वो, और इसको भूनेंगे। साबुदाना को भूनते हुए देखेंगे कि साबुदाना जो है वो दोगुना हो रहा है, मतलब फूल रहा है। साबुदाना को चेक करने के लिए आप उसका एक दाना लेके अपने दांतों के नीचे डालें तो वो दांतों में चिपकेगा नहीं। तो इसका मतलब है कि साबुदाना जो है अच्छे से भुन गया है और इसका हल्का सा कलर भी चेंज होने लगा है। तीन से चार मिनट भुनने पे ही साबुदाना भुन जाएगा। अब हम इसको निकाल लेते हैं, एक बर्तन में इसे निकाल लें और इसे ठंडा के इसे ठंडा होने देते हैं। इसमें डाल देंगे मूंगफली। मूंगफली को भी हमें ऐसे ही रोस्ट करना है, कोई घी तेल हमें यूज नहीं करना है। मूंगफली भी चटकने लगी है, अब इसे भी हम निकाल लेते हैं, इसे भी ठंडा होने देते हैं। अब हम इसमें डाल देते हैं काजू और बादाम, इन दोनों को भी हमें रोस्ट कर लेना है। आप ये रेसिपी जो व्रत में बना के खाएंगे तो इससे आपको बहुत एनर्जी मिलेगी और आप पहले से बना के रख सकते हैं जो व्रत वाले दिन आपको नहीं बनाना पड़े। काजू और बादाम भी रोस्ट हो गया है, अब इसमें डाल देते हैं नारियल का बुरादा और इसे भी थोड़ी देर भून लेते हैं। बस हल्का सा भुनना है, ज्यादा नहीं भुनना हमें। अगर आपका बर्तन गर्म हो ज्यादा तो आप गैस को बंद कर दें और उसी में ये भुना जाएगा। ये देखिए इसका कलर भी चेंज होने लगा है। अब इसे हम निकाल लेते हैं और इसे भी ठंडा होने देते, फैला दे और इसे भी ठंडा होने दे। सारी चीजें ठंडी हो गई अच्छे से, अब सबको हम एक जगह मिक्स कर लेते हैं। और यहाँ पे मैंने मूंगफली का छिलका हटा लिया थोड़े बहुत, और थोड़े बहुत छोड़ दिए हैं। आप चाहे तो पूरी तरह से हटा सकते हैं।
सबको अच्छे से मिक्स कर दें। अब एक जार में हम इसे रख लेते हैं। और इसे हम पीस लेते हैं, इसका पाउडर बना लेते हैं। ये मैंने इसका पाउडर बना लिया। अब हम इसमें डाल देते हैं गुड़, फिर से पीस लेते हैं। ये मैंने पीस लिया। अब हम इसे एक बर्तन में निकाल लेते हैं। अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा घी, बहुत ज्यादा घी नहीं डालना है हमें, थोड़ा सा घी डालना है जिससे कि ये बंध जाए। तो एक बड़े चम्मच या दो छोटे चम्मच डाल लें। अब इसे अच्छे से मिक्स कर दें। घी की क्वांटिटी जो है वो आपके गुड़ पे और साबुदाने पे डिपेंड करती है कि कितना वो सोख लेता है। तो यहाँ पे मुझे और एक चम्मच की जरूरत लग रही है, मैं एक चम्मच और डाल देती हूँ घी। आप चाहे तो यहाँ पे दूध भी इसमें डाल सकते हैं, लेकिन दूध डाल के फिर आप जो इसको स्टोर नहीं कर सकते, तो ना ही दूध का यूज़ करें यहाँ पे और ना ही पानी का, तभी आप इसे स्टोर कर सकते हैं। देखते बनता है कि नहीं। ये बन गया। अब हमारे जो घी का क्वांटिटी है एकदम सही है। इसी तरह आप सारे लड्डू बना ले, अच्छे से दबा दबा के बनाए जिससे कि ये बंध जाए। साइज आप पे डिपेंड है, आप छोटा बड़ा कोई भी साइज का बना सकते हैं। ऐसे ही सारे लड्डू बना ले। ये सारे लड्डू मैंने तैयार कर लिए। ये बहुत एनर्जी से भरपूर है, तो आप व्रत करें तो अगर इसे बना के खाएंगे तो आपको पूरे दिन ताकत मिलती रहेगी। तो आप इसे एक बार जरूर ट्राई करें और मुझे बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी।